पहले वही में डाल लो। ये आप देख सकते हैं आज हार्वेस्टिंग हो रहा है और पहले पानी को कैसे निकाला जाता है। पानी निकालने के बाद में फिर पूरा पानी इधर इस साइड में निकल जाएगा और इसको किस तरीके से खेत में, ये पानी बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही पौष्टिक पानी है जो कि इस खेत में भरा जा रहा है। खेत में भर देने के बाद में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, फसल को बहुत ही लाभदायक होगा। आम के आम और गुठलियों के दाम इस तरीके से जो पानी अभी निकलेगा वो खेतों में भर दिया जाएगा और वहाँ हमारी पानी निकल जाने के बाद में मछलियाँ भी पकड़ने में आसानी हो जाएंगी। कुछ सिस्टम होता है, ये सिस्टम मतलब मशीन होता है जो छोटा चक्के का इंजन होता है, वो हल्का होता है जो कि आसानी से पानी के अंदर ले जाया जाता है वहाँ से रख करके और फिर डिलीवरी पाइप के द्वारा पानी को जिस खेत में चाहे उस खेत में भर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पानी निकल गया है। पूरा पानी निकालने के बाद में अब मछलियाँ सारी पकड़ गई हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ये तालाब जो था इस साइड से लेके इतना ही था और खेत देख सकते हैं पूरा फंसा हुआ था। अभी जेसीबी लगा के इसको पूरा खुदवाना है, इसलिए हम लोगों ने इन मछलियों को पकड़ के दूसरी जगह रखा है। आप देख सकते हैं कि तालाब तैयार भले ही नहीं है लेकिन इसके ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तरीके से घास उग चुकी है। मिट्टी के जो बंधा होता है वो कटने का अब डर ख़त्म हो चुका है। चारों साइड में और ये देख सकते हैं आप, आज बारिश होने के कारण जेसीबी नहीं चल पाई इसमें, नहीं तो अभी तालाब पूरी तरीके से बन जाता। हमेशा तालाब का जो आकार होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, जैसे जितना बड़ा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पंखार मछलियां जब भी डाली जाती हैं उनको जब रेस मिलेगा दौड़ने के लिए जगह मिलेगा तभी जाके वो ग्रोथ लेती हैं। पहले तालाब का पूरी तरीके से अब निर्माण जब हो जाएगा इसके बाद में ही मछलियां डाली जाएंगी, तो अभी इतने से छोटे से एरिया में मतलब लगभग मैं ये मान के चलिए कि लगभग 200x50 फीट का एक इसी के अंदर तालाब था जिससे अभी हार्वेस्टिंग हुआ है, मछलियां पकड़ी गई हैं। वो मछलियां भी मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि अभी एक जगह पर डंप कर ली गई हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सेल आउट करते रहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वहाँ से मछलियाँ सारी पकड़ करके हम लोगों ने इस छोटे से तालाब में डंप कर लिया है। अब इनको थोड़ा थोड़ा करके बेच दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें, आप देख सकते हैं मछलियों की साइज, क्योंकि उस तालाब में अभी पानी भर जाता तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि पहले ही वहाँ से सारी मछलियों को पकड़ लिया गया है और अब उसका पूरा ड्रेसिंग हो जाएगा, यानी पूरा मेंटेन करने के बाद में फिर वापस से हम लोग उसमें नया बच्चा डालेंगे मछली का। दादी कह रही पहले खाना खा लेते सब करते थे। खाना दिया, खाएंगे खाना होगा।